नमस्कार, आप दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नजर डालेंगे आज की खास खबर पर। संसद की सुरक्षा को तार तार करने वाले चारों आरोपी पुलिस रिमांड पर। घटना के मास्टरमाइंड की तलाश में जुटी सुरक्षा एजेंसियां। आरोपी के संपर्क तलाशने के लिए 6 राज्यों में पुलिस की छापेमारी। संसद की सुरक्षा में सेंध को लेकर कांग्रेस सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने कहा, यह एक आतंकवादी हमले जैसा था। इससे पहले कि सदस्य कुछ समझ पाते, एक व्यक्ति ने कुछ निकाला और उसे धुआं निकलने लगा। लोकसभा सचिवालय ने संसद की सुरक्षा में चूक के मामले में 8 कर्मियों को निलंबित किया। निलंबित किए गए लोगों की पहचान रामपाल, अरविंद, वीरदास, गणेश, अनिल, प्रदीप, विमित और नरेंद्र के रूप में की गई है। संसद सुरक्षा चूक मामले में मुख्य साजिशकर्ता ललित झा अभी भी फरार है। दिल्ली पुलिस ने दूसरे दिन भी ललित की तलाशी में छापेमारी की। फेसबुक पर भगत सिंह फैन पेज से जुड़े थे सभी आरोपी। संसद में विपक्षी सांसदों ने किया हंगामा। हंगामे पर एक्शन लेते हुए 14 सांसदों को लोकसभा से निलंबित कर दिया गया। तृणमूल कांग्रेस सांसद डोरेक ओब्रायन राज्यसभा से निलंबित। संसद सत्र की शेष अवधि के लिए हुआ निलंबन। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में बड़ा फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार करते हुए ईदगाह परिसर के सर्वे की अनुमति दी। हाईकोर्ट ने कमिश्नर की नियुक्ति को भी मंजूरी दी। आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से राहत। शीर्ष अदालत ने जैन की अंतरिम जमानत 8 फरवरी तक बढ़ाई। संसद हमले को लेकर हंगामा करने के मामले में निलंबित टीएमसी के सांसद डोरेक ओब्रायन निलंबन के बाद भी सदन में मौजूद रहे। इसके चलते भोजनावकाश के बाद सदन की कार्यवाही 3 बार स्थगित हुई। सभापति धनखड़ ने ओब्रायन से सदन से बाहर जाने का अनुरोध भी किया। फरीदाबाद में बिट्टू बजरंगी के भाई महेश को पेट्रोल डालकर जलाया। आरोपियों ने पहले पीड़ित से नाम पूछा, फिर आग लगाई। सीसीटीवी कैमरे में फुटेज के आधार पर की जा रही है आरोपियों की पहचान। मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार पहले फैसले का पहले दिन ही दिखा असर। खुले में मांस अंडा बेचने वालों के खिलाफ प्रशासन की सख्ती। कांग्रेस ने कसा तंज। मंदिर मस्जिद करने की जगह घोषणा पत्र में किए गए वादे पूरा करे सरकार। मध्य प्रदेश में सबसे सीनियर विधायक गोपाल भार्गव बने प्रोटेम स्पीकर। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने दिलाई शपथ। 18 दिसंबर से शुरू होगा विधानसभा का सत्र। नवनिर्वाचित विधायकों को दिलाई जाएगी शपथ। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक और इमोशनल कार्ड सोशल मीडिया हैंडल के बायो में लिखा, भाई और मामा। बुधवार को शपथ ग्रहण समारोह में लगे थे मामा मामा के नारे। मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष का फैसला करेगा कांग्रेस। आलाकमान भोपाल में विधायक दल की बैठक में फैसला। बैठक में नहीं पहुंचे कमलनाथ, छिंदवाड़ा में रहे मौजूद। तेलंगाना के हैदराबाद शहर में बृहस्पतिवार को एक बेकरी में कथित तौर पर गैस रिसाव के कारण आग लगने से 15 श्रमिक घायल हो गए। पुलिस ने बताया घायलों में से 10 का कंचनबाग के अस्पताल में जबकि शमशाबाद स्थित एक अन्य अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, यूक्रेन में जारी युद्ध में अभी लगभग 2,44,000 रूसी सैनिक तैनात हैं। अडानी समूह ने बिहार में 8,700 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की। कंपनी सीमेंट, विनिर्माण, लॉजिस्टिक और कृषि उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में करेगी निवेश। थोक मुद्रास्फीति नवंबर में बढ़कर 0.26% हो गई। खाद्य पदार्थों खासकर प्याज तथा सब्जियों की कीमतों में तेज उछाल से इनमें बढ़ोतरी हुई। शेयर बाजार 70,000 के पार। बीएसई सेंसेक्स 930 अंक चलकर 70,514 अंक के सार्वकालिक उच्च स्तर पर हुआ बंद। एनएसई निफ्टी भी 256 अंक चढ़कर रिकॉर्ड 21,183 पर हुआ बंद। मनोज वाजपेयी की सस्पेंस थ्रिलर फिल्म किलर सूप की रिलीज डेट आई सामने। 11 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी फिल्म। फिल्म में मनोज के साथ कोंकर सेन शर्मा आएंगे नजर। अभिषेक चौबे ने किया है फिल्म का निर्देशन। फिल्म वेलकम टू द जंगल की शूटिंग हुई शुरू। अक्षय कुमार ने शूटिंग सेट से शेयर किया मजेदार वीडियो। फिल्म में नजर आएगी लंबी चौड़ी स्टार कास्ट। अगले साल 20 दिसंबर 2024 को रिलीज होगी फिल्म। ये थे आज के फटाफट बुलेटिन और ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें आप दुनिया पर।